बार में आए तो क्या हुआ? ये शोर कैसा? महाराज, हमारे राज्य के कुछ व्यापारी आपसे मिलना चाहते हैं। आने दिया जाए। महाराज की जय हो। कहिए, आप लोगों को क्या समस्या आ पड़ी? महाराज, पड़ोसी राज्य का मुख्य अधिकारी चुरकटमल, जो राजा लल्लू नंदन का साला है, हमारे लिए समस्या बन गया है महाराज। क्या? चुरकटमल? हम व्यापार के लिए उस राज्य में जाते हैं और वो किसी ना किसी बहाने हमें लूट लेता है। अच्छा, कुछ कीजिए महाराज, कुछ कीजिए। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, हम कुछ करते हैं। मैं तो कहता हूँ महाराज, हमें छोटी सी सेना भेजकर उन पर आक्रमण कर देना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं सेनापति? हमने कभी अपने से कमजोर को दबाया नहीं। ऐसा करना हमें शोभा नहीं देगा। तो फिर इसका क्या इलाज है महाराज? असली अपराधी चुरकटमल है, इस चुरकटमल को उसी के तरीके से सबक सिखाना होगा। हाँ, जैसे को तैसा। मैं समझा नहीं। देखेंगे तो जानेंगे, जानेंगे तो समझेंगे। आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी, हमारी सराय में तो बड़े बड़े व्यापारी आकर ठहरते हैं। क्या कहते हैं? हम भी कोई छोटे मोटे व्यापारी नहीं हैं। तेरी दुम में आग लगे। है? मेरी दुम में आग? क्या कहते हैं? घबराओ नहीं, ये तो इनकी आदत है ऐसा कहने की। अच्छा बताओ, कितना काटूं? क्या काटोगे? क्या कहते हैं? तेरी दुम में आग लगे, घबरा मत। ये कपड़े के व्यापारी हैं, इसीलिए हर किसी से पूछते हैं कितना काटूं। बड़ी अजीब आदत है, क्या कहते हैं? आप चलकर आराम कीजिए, मैं जरा नगर का चक्कर लगा कर आता हूँ। ठीक है, है? बड़े व्यापारी लगते हैं, तुरंत इनके बारे में सूचना देनी चाहिए, क्या कहते हैं? तुम्हें पूरा भरोसा है कि उनके पास बहुत सारा धन होगा? जी, पूरा भरोसा है, क्या कहते हैं? जिस तरह दूसरे व्यापारियों का लूटा हुआ धन और सामान यहाँ इकट्ठा हुआ है, वैसे ही उनका धन भी यहाँ आ जाएगा। जाओ 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 जाओ, तुम्हें भी तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। सुनो, नगर कोतवाल को संदेशा भेजो कि आकर हमसे तुरंत मिले। वाह, मैं तो दिनों दिन और अधिक धनवान बनता जा रहा हूँ। Thank you.
बेईमानी मत करो। मैंने कल तुम्हें 10 गज कपड़े के पैसे दिए थे, घर जाकर कपड़ा नापा तो केवल 2 गज कपड़ा ही निकला। लो सुन लो इनकी बात, मुझे बेईमान कह रहा है। देखो अब तुम बहस कर रहे हो, तुम तो बेईमान हो एक नंबर के, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, देखो मेरे सर पर भी लिखा है मैं ईमानदार हूँ। कमाल है, कोतवाल ने पूरी तलाशी ले ली, एक स्वर्ण मुद्रा तक नहीं मिली उसके पास। अब चुरकट मल का गुस्सा मुझ पर उतरेगा, क्या कहते हैं? तेरी दुम में आग लगे, कहाँ है मेरे मालिक? अरे काहे के मालिक, वो तो ठग है ठग। अगर कोतवाल पकड़ के ले गया उसे कोतवाली में, क्या कहते हैं? मेरे मालिक के बारे में ऐसी बात तो ले, अब तो सच में तेरी दुम में आग लगे। अरे दुम होगी तो आग लगेगी ना, क्या कहते हैं? ये ले, तुम तो आ गई, अब आग लगने ही वाली है। अब ये मुंजा को कैसे खबर करूं कि मैं यहाँ फंसा पड़ा हूँ? ये क्या महाराज, यहाँ कैसे फंस गए? अभी यहाँ से चलो जल्दी। ठीक है जैसी आपकी आज्ञा। अरे मुंजा छोड़ो उसे, चलो। अब और क्या क्या बताऊं महाराज, इस नगर का तो भगवान ही मालिक है। वो देखिए, वो रहा एक शातिर। चलो मुंजा आज हम इसकी हजामत बनाते हैं। रुकिए रुकिए। ये क्या किया? आपकी हजामत वो बनाएगा और उसकी आप। चलो चलिए। क्या चाहिए? 1 किलो जलेबी। लगता है तुम्हें दिखाई नहीं देता, कसम उस तरह की ये मिठाई की दुकान नहीं है। दिखता तो तुम्हें नहीं है, नहीं तो मेरे ये बढ़े हुए बाल और दाढ़ी जरूर दिख जाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, बैठो बैठो, थोड़ी देर लगेगी, कसम उस तरह की इन सबको निपटाने के बाद। मैं तुम्हें दुगने दाम दूंगा। अच्छा तो कसम उस तरह की बैठो। बस अभी पलक झपकते ही सब सफाचट, कसम उस तरह की तुम्हारी बारी आएगी। हाँ ये ठीक है भाई। लो भाई बाकी वापस करो। अभी तो दुकान खोली है, कसम उस तरह की बोहनी भी नहीं हुई। ऐसा? अच्छा तो चलो मेरे साथ, अगली दुकान से मुझे कुछ और खरीदना है, वहीं ले लेना। हाँ हाँ चलो चलो। हाँ ये ठीक है भाई। ओए
अरे देरी तुम में आग लगे, जा कहाँ रहा है, मेरी पूरी हजामत तो बना दे। कसम उस तरह की अभी आता हूँ। अब नहीं नहीं नहीं, ऐसा करो तुम मेरे बेटे को ले जाओ, कसम उस तरह की इसे दे देना। आओ बेटा चलो हमारे साथ चलो। हाँ भाई, कपड़ा तो सचमुच तुम्हारे यहाँ का बहुत अच्छा है, है? कितना काटू है? है? ये तो मुझे पूछना चाहिए कितना काटूं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मत काटना। हाँ तेरी दुम में आग लगे, काटेंगे तो ये क्या। हमारा मतलब है हमें ये पूरा कपड़ा चाहिए, ये सारा माल हमारी बैलगाड़ी में रखवा दो। हाँ अच्छा पूरा रा, 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 मेरे धनभाग। ए मंगलू मंगलू, ये सब थान लेकर बैलगाड़ी में रख दे रख दे। रा, 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 अरे अरे कहाँ चल दिए, दाम कौन देगा भाई, रुकिए। मैं तो बताना भूल ही गया, मेरा धन तो अगले चौक पर सुनार की दुकान में बैठी मेरी पत्नी के पास रखा है। आप ऐसा कीजिए, मेरे साथ चलिए, वहीं दे देता हूँ। हाँ चलिए। दुकान छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ। तेरी दुम में आग लगे क्या। मतलब हम अपने बेटे को यहीं छोड़ जाते हैं। हाँ। कुछ देर में आकर दाम चुका देंगे और बेटे को ले जाएंगे। अच्छा ठीक है ठीक है, बेटे को छोड़ जाइए, लेकिन लेकिन जल्दी आइएगा भाई। हाँ हाँ बस अभी आते हैं, तेरी दुम में आग लगे। कसम उस तरह की, एक घंटा हो गया लड़का नहीं आया अब तक। चलूं चलकर मैं ही देख लूं। एक घंटा हो गया अभी तक। क्यों रे, तेरे पिताजी कहाँ हैं? बाल काट रहे होंगे। क्या क्या बकता है, सच सच बता, नहीं तो दो तमाचे लगाऊंगा। बापू। अच्छा ऐसे नहीं बताएगा, चल चल। ये क्या? बापू इसने मुझे मारा। मेरे लड़के को मार क्यों रहे हो कसम उस तरह की? तुम्हारा लड़का है। लुट गया लुट गया। चलो चलकर चुरकट माल को बताएं कि कितना काटूं करके मुझे कितना काट गया भैया। चलो गोपाल। यदि तुम हमें कहीं और मिल जाते तो मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाता कि तुम मेरे दामाद गोपाल हो। हाँ हाँ, 10 साल में हमारे बड़े भैया की सूरत बहुत बदल गई है। सो तो है। अच्छा तुम सब बैठो बातें करो, मैं देखूं विदाई की तैयारी में कुछ कमी तो नहीं है। ससुर जी, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी थी। आओ ना अंदर चलते हैं। अरे
इसमें संकोच की क्या बात है? तुम्हें व्यापार के लिए जितना भी धन चाहिए ले जाओ। ठीक है, तो मैं अभी ये सारा धन अपने गांव भिजवा देता हूँ। ठीक है। कौन ससुर? अरे किसका ससुर? अरे मैं हूँ आपका दामाद गोपाल। तुम गोपाल हो? तो फिर वो कौन था? अरे मुझे क्या पता है? मैं तो लुट गया। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूं? किसके पास जाऊं? कौन ले गया इस चुरकटमल का सामान? अरे कहां गया? चुरकटमल जी हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, वो काट गया हमें। कसम उस तरह की चुरकटमल जी, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। चुरकटमल जी। अरे तुम सब अपने नुकसान को रो रहे हो और यहाँ मेरा पूरा माल न जाने कहाँ गायब हो गया। अब मैं किससे जाकर कहूँ? अरे मेरी भी तो सुनिए चुरकटमल जी, ये देखिए मेरी दुम का कुछ कीजिए। क्या कहते हैं? कसम उस तरह की, एक झटके में काट दूंगा, इसकी चिंता मत करो। लेकिन चिंता तो इस बात की है कि वो दोनों है कौन। वो जो भी हो, वो हमारे बारे में जान गए हैं। अब हमारा इस राज्य में रहना ठीक नहीं है। लेकिन हमारा नुकसान महाराज के खजाने से पूरा होगा। क्या? हाँ, हम कल रात को अब देखेंगे, फिर जानेंगे और समझेंगे और समझाएंगे। महाराज विक्रम, आप कह रहे हैं तो सच ही कह रहे होंगे, परंतु देखिए ये सब उन सब ने मिलकर नागरिकों से लूटा है। और बाकी आज रात आप अपनी आंखों से खुद ही देख लीजिएगा। जैसा आप ठीक समझे। चुपचाप, वहां सिपाही होंगे, जरा ध्यान से। अरे आप चिंता नहीं कीजिए, कसम उस तरह की, उस तरह लाता तो सबको मार देता।
ये है तुम्हारी असलियत सिपाहियों? इसने सबको बेहोश कर दिया है महाराज। सिपाहियों का काम मैं किए देता हूँ। ए दुम, लग जा काम पर। लेकिन एक दिन तो बड़ा गजब हो गया, मालूम है क्या हुआ? अरे कोई बचा तो मुझे मार रहा है मुझे। आज आज मुझसे तुझे कोई नहीं बचा सकता। अरे बाल और रघु इस तरह लड़ क्यों रहे हैं? बचा लो मुझे, बचा लो। ये गोपाल ससुरा पगला गया है चाचा। आप बीच में बताओ चाचा, मैं आज इस धोखेबाज को छोड़ूंगा नहीं। तुम दोनों तो बड़े पक्के दोस्त थे, ये अचानक क्या हो गया? इसी से पूछिए इसकी करनी। बता रघु। कुछ नहीं चाचा, इसको गलत फहमी हो गई है। गलत फहमी? अरे ये क्यों नहीं कहता कि तेरी नीयत खराब हो गई है? देखो इस तरह से अगर बहस करते रहोगे ना तो झगड़ा कभी नहीं सुलझेगा। हाँ हाँ, तो इन्हें महाराज विक्रम के पास ले चलो। हाँ हाँ, वो तो चुटकी बजाते ही न्याय कर देंगे। चलो ले चलो महाराज विक्रम के पास ले चलो। चलो चलो भाई, चलो 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 चलो। बताइए क्या मामला है? मामला धोखाधड़ी का है। मैंने कोई धोखा नहीं दिया। तुम हो धोखेबाज। मैंने क्या किया? मैं तो धोखा दूंगा तुम्हें। अरे तूने धन चुराया। शांत रहो तुम दोनों। किसने धोखा दिया किसने नहीं, इसका फैसला मैं करूंगा। मुझे पूरी बात बताओ। जी, एक महीने पहले जब मैं और रघु धार नगरी से लौट रहे थे तो बातें करते करते पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। हम एक घने जंगल में पहुंच गए थे। रात के अंधेरे में चंद्रमा की रोशनी फैली थी। बस तभी हमने देखा एक बड़ा काला सांप एक कंटीली झाड़ी में फंसा है, तड़प रहा है। कितना खून बह गया है। अरे ये थोड़ी देर और इसी तरह फंसा रहा तो मर जाएगा। हाँ तुम ठीक कह रहे हो। आओ इसे झाड़ियों से निकाल दे। डरते डरते हमने उसे झाड़ियों से निकाला, उसके कांटे निकाले। तब वो अचानक एक देवदूत बन गया। वो शापित देवदूत था और हमारी मदद के कारण वो श्राप मुक्त हो गया। आप लोगों का ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। बताइए क्या मैं आप दोनों के किसी काम आ सकता हूँ? जी हमारे काम? अरे नहीं नहीं। अरे वो देखो। अरे तेरा धन। हे भगवान, मैं कहीं खुशी के मारे पागल ना हो जाऊं। सुनो, इस धन को हमें यहीं कहीं छिपा देना चाहिए। क्यों? इतनी रात में इस धन को लेकर सुनसान जंगल से निकलना खतरनाक है। हाँ ये तो सही है। और गांव वालों से भी क्या कहेंगे कि इतना धन हम कहाँ से लाए? वो समझेंगे कि हमने किसी को लूट लिया है। हाँ तुम एकदम सही कह रहे हो। हम अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक धन लेते रहेंगे और बाकी का यही पेड़ के नीचे गाड़ देते हैं। आओ आओ चलो। इसको यहाँ रख देते हैं। देखो इससे हमें याद रहेगा कि हमने धन किस पेड़ के नीचे गाड़ा है। हाँ ये ठीक है। आओ चले चलो चलो। फिर क्या हुआ? फिर हम दोनों खुशी खुशी घर आ गए। हमारा जीवन मजे से गुजरने लगा। हमने उस धन से अपना अपना काम धंधा शुरू कर लिया। एक दिन जब मुझे कुछ धन की आवश्यकता पड़ी तो मैं और रघु उस पेड़ के पास धन निकालने के लिए गए। आ, 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 आ,
ये तो बिल्कुल खाली है। ये कैसे खाली हो गई है? तुम्हारे सिवा और कौन इस धन के बारे में जानता था? तुम ही तो जानते थे। यदि मैंने धन चुराया होता तो यहाँ धन लेने क्यों आता? कहना क्या चाहते हो? यही कि धन तुमने चुराया है। देखो तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। तू झूठ बोल रहा है धोखेबाज। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे क्या पता। बस फिर लठ लेकर मेरे पीछे दौड़ पड़ा। फिर क्या हुआ ये तो आप सभी जानते ही हैं ना। अब आपका जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। हाँ मुझे भी। सिर्फ इतना सुनने के बाद ये तय करना मुश्किल है कि चोर कौन है। चोर गोपाल भी हो सकता है और रघु भी। फैसला तो कल उस पेड़ के पास जाकर ही किया जाएगा। कौन सच्चा है कौन झूठा इसकी गवाही वो पेड़ ही देगा। क्या, क्या? महाराज क्या मैं एक सवाल पूछूं? मैं जानता हूं तुम क्या पूछना चाहते हो। यही ना कि पेड़ कैसे गवाही देगा। जी महाराज यही पूछना चाहता था। देखो मुंजा उनकी बातों से मुझे ये तो अंदाजा हो ही गया है कि चोर कौन है। तो फिर उसे सजा क्यों नहीं दे देते आप? बिना किसी सबूत के उसे सजा कैसे दी जा सकती है? जी हाँ चोरी किसने की है इसे कैसे सिद्ध किया जाए? ओ, तो अब अब क्या? अब तो वो पेड़ ही गवाही देगा। ये पेड़ कैसे गवाही देगा? मुंजा ये तो तुम जब देखोगे तब जानोगे, जब जानोगे तब समझोगे। प्रणाम वृक्ष देवता, आपकी गवाही की जरूरत है। बताइए गोपाल और रघु में से चोर कौन है? धन का चोर गोपाल है। देखा देखा मैंने कहा था ना। क्या गोपाल ने आपके सामने धन चुराया था? हाँ गोपाल ने मेरे सामने ही धन चुराया था। ये तो गजब हो गया भाई। वाला पेड़ भी बोलता है। वाह वाह बड़ा आश्चर्य है। ये जब चोरी कर रहा था तो आपने इसे रोका क्यों नहीं? मैं कैसे रोकता? उसे कहते कि ऐसा करना उचित नहीं है। अब मैं चोर गोपाल है। नहीं नहीं पेड़ झूठ बोल रहा है। इसमें जरूर कोई भेद है। चोरी करना अपराध है परंतु उसे होते देखना और न रोकना भी सबसे बड़ा अपराध है। इसलिए इस चोरी के लिए इस पेड़ को भी सजा मिलेगी। क्या मुझे मुझे क्यों? इस पेड़ को तुरंत जला दिया जाए। अरे ये क्या कर रहे हो? नहीं अरे 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 मर जाऊंगा। अरे चल गया। अरे अरे मुझे बचाओ बचाओ मत। अरे मुझे बचाओ। अरे मुझे बचाओ। तो ये है चोर? नहीं चोर तो रघु है। हाँ मुझे माफ कर दो मुझसे गलती हो गई। इसके पिता भला पेड़ में कैसे और क्यों पहुँचे? पेड़ की गवाही ली जाएगी ये सुनकर मैं घबरा गया। तब मैंने अपने पिताजी को मनाया कि वो पेड़ के अंदर छिप कर झूठी गवाही दे। अच्छा रघु को चोरी करने और उसके पिता को चोरी को छिपाने में उसका साथ देने के अपराध में 1 वर्ष के लिए कारावास की सजा दी जाती है और रघु को पूरा धन गोपाल के हवाले करने की हिदायत दी जाती है। वाह वाह ये है न्याय। ये है एकदम असली उत्तम न्याय। इसे कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी। तो समझ में आई कहानी? हमेशा अपने दोस्तों के साथ ईमानदार रहना चाहिए।
खैर बाकी की बातें बाद में करेंगे, अभी तो मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ। एक बार की बात है, महाराज विक्रम अपने मित्र राजा कुंतल वर्मा से मिलने उनके राज्य में गए। वहाँ उनकी बड़ी खातिरदारी हुई, दोनों ने साथ साथ कई दिन बिताए। आप विक्रम भैया को नहीं हरा सकते। भाई सचमुच कुंतल, तुम्हारे साथ 6-7 दिन कैसे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। ये तो तुम सच कह रहे हो विक्रम, तुम्हारे साथ बिताए इन दिनों में मुझे तो अपना पूरा बचपन याद आ गया। हाँ लेकिन अब मुझे अपने राज्य की याद आ रही है। तो भाई कुंतल, मैं कल सुबह विदा लूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। पर क्या बात है महाराज, क्या कोई परेशानी है? परेशानी कुछ नहीं, यूं ही नींद नहीं आ रही है। तो चलिए बाहर बगीचे में घूम आते हैं। हाँ चलो। हाँ मुझे वो ये तो महारानी रागिनी देवी है, ये इस तरह इतनी रात में अकेली कहाँ जा रही है? ये क्या? मुझे तुम भाभी को देखो कहाँ जा रही है, मैं कुंतल के पास जाता हूँ। जी महाराज। कुंतल, 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 क्या हुआ मित्र? कुंतल, 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 क्या हुआ? तुम यहाँ? हाँ, तुम चीख रहे थे कुंतल। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, इस राज्य की महारानी रात में इस तरह, लेकिन ये कहाँ जा रही है? ये तो सेनापति है, बात कुछ समझ में नहीं आ रही है मेरे, जाकर महाराज से कहना पड़ेगा। क्या ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज जो मैंने देखा वो आपको बता दिया। हे भगवान, कुंतल के साथ वो घटना और भाभी का ये व्यवहार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मुझे यहीं रुकना पड़ेगा, मैं इस समस्या में अपने मित्र को छोड़कर नहीं जा सकता। वाह, ये तो तुमने अच्छी खबर सुनाई कि तुम कुछ दिन और यहाँ रुक रहे हो। हाँ। अच्छा कुंतल, ये बताओ क्या तुम्हें बीती रात की कोई बात याद है? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, क्या कुछ खास बात है? हाँ, तुम्हें कुछ याद नहीं? कल रात तुम पर हमला हुआ था। ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे पूरी बात बताओ। पूरी बात जानने के लिए ही तो मैं यहाँ रुक रहा हूँ, अभी तुम आराम करो, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। आओ मुझे। अरे अरे लेकिन सुनो तो।
समझा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कुंतल को कौन मारना चाहता है, और ये भाभी का सेनापति के यहाँ जाना, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई षड्यंत्र रचा जा रहा हो? तुम ऐसा करो मुंजा, जाकर सेनापति पर नजर रखो। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मिट्टू, 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 कहाँ गई थी? रात भर कायम रही। क्या तू भी महारानी रागिनी की तरह मेरी हत्या करना चाहती है? छी छी, राम बोलो राम, मैं ऐसा क्यों करूँगी? लेकिन क्या सचमुच राजा कुंतल वर्मा मारा जाएगा? रानी कुंतल वर्मा को मार डालेगी। ये तो गजब हो जाएगा, मुझे तुरंत महल लौटना चाहिए। मैंने पूरा दिन सेनापति पर नजर रखी, मुझे तो ऐसी कोई बात नहीं दिखी जिससे सेनापति पर शक किया जा सके। मुंजा, आज हमें भाभी को अपनी नजरों से दूर नहीं होने देना है। महाराज, ये अंदर चली गई और अब तक बाहर नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर से कोई गुप्त रास्ता हो? मुंजा, तुम यहीं रुको, मैं महल जाता हूँ। जी महाराज। कुंतल, कुंतल, अरे ये क्या हुआ? कुंतल, कुंतल! महाराज, महाराज, क्या हुआ महाराज को? अभी अभी सैनिकों ने महाराज के चीखने की आवाज सुनी। ये क्या, हमारे महाराज? गिरफ्तार कर लो महाराज विक्रम को। ये क्या कह रहे हो? खबरदार, कोई आगे ना बढ़े। मैंने कुंतल की हत्या नहीं की, परंतु मैं जानता हूँ इनको किसने मारा है। कल तक इनके हत्यारे को तुम्हारे सामने पेश कर दूंगा। सैनिकों, देखा, मैंने कहा था ना, कुंतल वर्मा की हत्या हो जाएगी। हाँ, तुमने ठीक कहा था, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि कुंतल वर्मा जीवित हो सकता है। हाँ, तो सकता है, परंतु यदि उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया तो फिर वो कभी जीवित नहीं हो सकेगा। मिट्टू, मिट्टू, मिट्टू। नहीं मंत्री जी, आप महाराज कुंतल वर्मा के वफादार हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मंत्री जी, आप अगले 2 दिनों तक महाराज कुंतल वर्मा का अंतिम संस्कार मत कीजिएगा। परंतु अंतिम संस्कार 2 दिन के लिए मेरी बात मानिए, फिर देखिएगा, कुंतल वर्मा का हत्यारा पकड़ा भी जाएगा और कुंतल जीवित भी हो जाएगा। यदि ऐसी बात है महाराज विक्रम,
तो मुझे आपकी बात मंजूर है। धन्यवाद। मुंजा, हमें रात होने का इंतजार करना होगा। जी हाँ महाराज, आज मैं पूरी कोशिश करूँगा सच्चाई का पता लगाने की। सच चाहे जो भी हो, मेरा दिल नहीं मानता कि रागिनी भाभी कुंतल की हत्या कर सकती हैं। हे भगवान, मेरे साथ तूने ये कैसा अन्याय किया। अब मैं इस दुनिया में जीकर क्या करूँगी, क्या करूँगी मैं जीकर। से मैंने महाराज कुंतल वर्मा को तो खत्म कर दिया, अब उनके अंतिम संस्कार के बाद फिर मैं आपसे विवाह करके सभी राज्यों का राजा बन जाऊंगा। अब आप जाइए, महाराज कुंतल वर्मा के अंतिम संस्कार का इंतजाम कीजिए। जाइए जाइए आप जी। कहो मुंजा। महाराज वो तांत्रिक है जो सेनापति को अपने वश में करके उसका उपयोग कर रहा है। तो ये बात है जी महाराज। मुझे तो इस बात का पूरा विश्वास था कि रागिनी भाभी हत्यारी नहीं हो सकती। वो तो ठीक है महाराज, लेकिन वो जादूगर काला जादू करने में माहिर है। क्या? उसने महारानी को अपने वश में कर रखा है और वो अपने जादू से अपने डेरे पर बैठे बैठे ही लोगों की हत्याएं कर सकता है। तो चलो आज ही इस जादूगर का जादू खत्म कर देते हैं। चलिए महाराज। चलो सिम खुल, सिम सिम खुल, खुल जा सिम सिम। अरे खुल जा खुल जा, खुलता क्यों नहीं। ये ऐसे नहीं मानेगा। Ha ha ha!
ऐसे हार नहीं मानूंगा। विक्रम, अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है। मेरे हाथों नहीं बचेगा। मुझे मत मारो विक्रम, मुझे माफ करो विक्रम। बता बता कहाँ है कुंतल की गुड़िया? वहाँ, उधर 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 वहाँ पर। सचमुच तुमने एक सच्चा मित्र होने का धर्म पूरा किया है। मैं जीवन भर तुम्हारा ये उपकार नहीं भूल पाऊंगा। इसे कहते हैं सच्ची मित्रता। मित्रता की पहचान तो बुरे समय में ही होती है। तो याद रखोगे ना, यदि तुम्हारा मित्र किसी संकट में, दिक्कत में या परेशानी में है तो उसकी मदद करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम सबको महाराज विक्रम की कहानी सुनाना मेरा कर्तव्य है, वो मैं कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा, क्योंकि मेरा नाम है मुंजा, मुझसा नहीं कोई दूजा। दोस्तों, आवाज किए बिना ध्यान से सुनिए। आज महाराज विक्रम एक ऐसी पहेली हल करने जा रहे हैं जिसे देखकर आपकी सांसें थम जाएंगी। यकीन नहीं होता तो खुद देख लीजिए, क्योंकि देखोगे तो जानोगे और जानोगे तो समझोगे ना। तो सच में बहुत विचित्र है। चलो अंदर। महाराज, ये तो बिना सिर का धड़ है। अरे महाराज, ये देखिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिंहासन पर बैठा हुआ धड़ और ये सिर एक ही इंसान का है। ये देखिए महाराज। राक्षस राज खरासुर दुष्ट था। उसके पास जादू शक्ति थी और उसके आतंक से सारी पृथ्वी कांपती थी। और पृथ्वी जीतने के बाद उसकी दृष्टि स्वर्ग पर पड़ी।
इंद्र ने अपने वज्र से खरासुर का सिर काट कर उसे इस बक्से में रखवा दिया। ये है इस राक्षस राज की कहानी। लेकिन हमें इसके धड़ को नष्ट कर देना चाहिए। अगर ये किसी गलत हाथ में पड़ गया तो अनर्थ हो जाएगा। तुम ठीक कहते हो मुंजा, हम कल सुबह यहाँ आएंगे। जाने इस घोड़े को क्या हो गया है। महाराज यहाँ अवश्य कोई है। लगता है कोई जंगली जानवर होगा। चलो हम चलते हैं मुंजा। अरे अरे इन्हें क्या हुआ। सैनिक यहाँ कौन आया था। वहाँ महाराज हमें तुरंत गुफा में चलकर देखना चाहिए। महाराज यहाँ तो उस राक्षस का सिर और धड़ दोनों गायब हैं। मुझे डर है कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। हमें किसी भी कीमत पर उस राक्षस को खत्म करना होगा। महाराज उससे पहले हमें ये जानना होगा कि ये राक्षस फिर से कैसे जिंदा हो गया। रे अंगूठी ये तो बता किसने की है राक्षस को जिंदा करने की खता। तांत्रिक कौन है। इसका पता चल जाएगा महाराज। राक्षस राज खरासुर, मैं आपके सेनापति उलुक का पौत्र हूँ। तुम्हारी इस वफादारी को हम याद रखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें उस इंद्र से बदला लेना है। नहीं राक्षस राज, इंद्र से लड़ने से पहले आपको इस राज्य के राजा विक्रम से निपटना होगा। उसके होते आप कभी सफल नहीं हो सकेंगे। कोई बात नहीं, मैं अभी उस विक्रम को खत्म करके उसके राज्य को कब्जे में लेता हूँ। तो ये है सारी कहानी, लेकिन हम इस राक्षस को खत्म कैसे करेंगे। मुझे लगता है इसका उत्तर हमें इंद्रदेव के पास ही मिलेगा। तुम चिंता मत करो विक्रम, उसे वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु केवल वज्र से ही हो सकती है। ये लो वज्र। किंतु इसका प्रयोग केवल एक बार ही हो सकता है। इंद्रदेव, उस दुष्ट राक्षस का वध एक ही बार में हो जाएगा। ये दोनों कहां छिप गए हैं। तो आ गए चूहे पिंजरे में। इनसे इंद्र का वज्र मैं छीन कर रहूंगा और फिर उसी वज्र से उस इंद्र को मारकर अपना बदला लूंगा। महाराज, महाराज, क्या चाहिए।
इस दुष्ट राक्षस ने हमारे सैनिकों को बंदी बना लिया है। आखिर ये चाहता क्या है मुंजा? इंद्र का वज्र। तो ये बात है, मैं अभी तेरा खात्मा किए देता हूँ। महाराज, उसके पैरों को देखिए, ये खरासुर नहीं, उसका माया जाल है। आप एक बार ही वज्र का प्रहार कर सकते हैं। तुम ठीक कहते हो मुंजा, हमें असली खरासुर को ढूंढना ही होगा। हमारा हुआ, इंद्रदेव को हमसे कोई नहीं बचा सकता है। छोड़ो हमें, छोड़ो। महाराज, चूहा फंस गया। धोखा, धोखा। देखा थी ना कितनी रहस्यमय कहानी। आज महाराज विक्रम ना होते तो न जाने क्या होता। खैर, अंत भला तो सब भला। आप की बात कुछ और ही है। नहीं 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 नहीं, मैं इस कहानी के बारे में आगे और कुछ नहीं बताऊंगा। आप खुद ही देख लीजिए। क्योंकि जब आप देखोगे तो जानोगे, और जानोगे तो समझोगे। महाराज, आप थके हुए से लग रहे हैं। चलिए उस झील के पास थोड़ा आराम कर लेते हैं। तुम ठीक कहते हो मुंजा, चलो। ये जगह बहुत ही मनमोहक है मुंजा। आइए महाराज, उस पेड़ के नीचे चलकर थोड़ी देर आराम करते हैं। वाह, कितना सुंदर बगीचा है। यहाँ की ठंडी हवा से मन और तन दोनों में ताजगी आ गई है। अरे, ये मैं कहाँ आ गया? मुझे हम कहाँ हैं? विक्रम, मैं आ गया, आ गया मैं। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा, जब मैं तुझे इस घने जंगल में खत्म कर दूंगा। ये क्या, मेरी तलवार? तलवार, तलवार चली गई। मुझसे डर कर। हाँ,
मैं तो खाई में गिर रहा हूँ। मुंजा तुम? मैं जीवित हूँ। महाराज आपने अवश्य कोई सपना देखा होगा। महाराज लेकिन आपको ये घाव लगा कैसे? ये घाव मुझे दमा की तलवार से लगा है। अब इसमें कोई शक नहीं है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि सच है। आज सुबह मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा। मुझे लगता है दमाक मेरे सपने में प्रवेश करके मुझे मारने की योजना बना रहा है। महाराज दमाक से लड़ने के लिए अब हमें उसके सपने में प्रवेश करना होगा। जो चाल वो हमारे साथ चल रहा है ना, हम भी वही चाल उसके साथ चलेंगे। तुम ठीक कहते हो मुंजा। मैं एक महर्षि को जानता हूँ, महर्षि मंदार। उनके पास अनोखी शक्तियाँ हैं। हमें सपने में प्रवेश करने की विद्या सीखने के लिए महर्षि मंदार के पास जाना ही होगा। महर्षि। आइए महाराज विक्रम, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। आप सपने में प्रवेश करने की विद्या सीखने आए हैं। महाराज ओम स्वप्न लोक प्रवेशाय भमः, इस मंत्र का जाप कीजिए। जैसे ही वो तांत्रिक सो जाएगा, इस मंत्र के बल से आप उसके सपने में प्रवेश करेंगे, और जब आप उस तांत्रिक को खत्म करेंगे तो उसके साथ ही उसका सपने में प्रवेश करने का जादू भी खत्म हो जाएगा। महर्षि मैं आपका बहुत आभारी हूँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा महाराज, उसके सपने में प्रवेश करने के बाद यदि आप खुद भी सो जाएंगे तो ये मंत्र कमजोर हो जाएगा। मगर महाराज ये तो बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि लगातार इन बुरे सपनों के कारण आप काफी समय से सोए नहीं हैं। अगर मुझे डम डम दमाक का खेल खत्म करना है तो ये साहस दिखाना ही पड़ेगा। आपकी विजय हो महाराज विक्रम। ओम स्वप्न लोक प्रवेशाय भमः। 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 ये तो मौत की घाटी है। ये कैसी आवाज है? अरे मैं तो बजाऊंगा बाजा, मारूंगा विक्रम को और बन जाऊंगा राजा। मैं तो बजाऊंगा बाजा, मारूंगा विक्रम को और बन जाऊंगा राजा। मैं तो बजाऊंगा बाजा। डम डम डमक। तू यहाँ कैसे आ गया विक्रम? जैसे तुम मेरे सपने में आया था डम डम डमक। तू यहाँ आ ही गया है, मरने के लिए तैयार हो जा। ये कैसे हो गया? अब देख आगे क्या क्या होता है। विक्रम अब आएगा मजा। हाँ
विक्रम, मैं जानता था तू थक जाएगा और नींद तुझे तेरी आंखों को बंद करने पर मजबूर कर देगी। अब मैं तुझे बड़ी आसानी से खत्म कर दूंगा। मुंजा के होते हुए महाराज विक्रम को मारना तो दूर, छूना भी नामुमकिन है। अच्छा तो तू आ ही गया। मत भूल मुंजा, मेरे सपने में वही होगा जो मैं चाहूंगा। महाराज, महाराज बचाइए। वैसे मुझे बहुत नींद आ रही है मुंजा। मुझे अब शांति से सोना है। जी महाराज। आज बहुत दिनों के बाद महाराज विक्रम शांति से सो रहे हैं। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? तो जाइए और आप भी देखिए अच्छे अच्छे सपने, क्योंकि देखोगे तो जानोगे और जानोगे तो समझोगे। हैं, लेकिन सबसे निराले रंग हैं हमारे महाराज विक्रम के, और रंगों की परख भी महाराज को खूब है, खासकर सच और झूठ के रंग की। नहीं समझे तो मेरे साथ चलकर खुद ही देख लीजिए, क्योंकि जब आप देखोगे तो जानोगे और जानोगे तो समझोगे ना। बताइए क्या मामला है महाराज। जैसे ही मैं पलटा, मैंने देखा कि ये दुष्ट मेरे थैले से ये बेशकीमती पत्थर निकालने की कोशिश कर रहा है। नहीं महाराज, अब मैं आप ही सोचिए महाराज, इस फटे हाय के पास भला इतना बेशकीमती पत्थर कहाँ से आएगा। सही कह रहा है। हाँ सही बात है, इसके पास इतना कीमती हीरा कैसे आया? इस चोर को सबसे न्याय महाराज, न्याय। न्याय? दोनों पक्षों की बात सुने बगैर न्याय कैसे संभव है भला? आपका पक्ष तो हमने सुन लिया, अब इन्हें भी बोलने दीजिए। महाराज, मैं एक छोटा व्यापारी नाविक हूँ, मेरा आधा जीवन समुद्र की धारा से जूझते हुए कटा है। ऐसी ही एक जल यात्रा में मेरा जहाज भयंकर तूफान का शिकार बन गया, सब कुछ डूब गया। मैं बहता हुआ एक टापू पर पहुंच गया। उसी टापू पर भटकते भटकते मुझे अकस्मात ही ये बेशकीमती हीरा मिल गया। इस पत्थर को बेचने के लिए जब जौहरी के पास गया तो सब कुछ आपके सामने ही है महाराज। ये झूठ बोल रहा है महाराज। अगर इसकी नाव जर्जर हो गई थी तो फिर ये वहाँ से वापस कैसे आया है? जैसे तैसे जहाज के टुकड़ों की नाव बनाकर मैं इस राज्य में वापस आया। नहीं नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं लगता। ना ना, और ऐसे द्वीप का कभी जिक्र भी नहीं सुना है भाई हमने तो। शान, किसका सच सच है और किसका सच झूठ, बिना गवाहों के इसका फैसला करना मुश्किल है। इस सुनवाई को यहीं रोकते हुए मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि न्याय का फैसला होगा, पर ठीक 5 दिन बाद। तब तक के लिए
जौहरी अपने घर वापस जाए और नाविक को महल में ही नजरबंद रखा जाए और आप सभी निश्चिंत होकर अपने घर वापस जाएं। महाराज की जय हो। क्षमा कीजिए महाराज, पर उस नाविक को महल में रखने की क्या जरूरत है? आपने उसे कारागार में क्यों नहीं बंद किया? मुंजा, उसका जुर्म अभी साबित नहीं हुआ है और उसे छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि वो भाग सकता है, इसलिए मैंने उसे महल में नजर बंद रखने का आदेश दिया। पर महाराज, आप निर्णय तक कैसे पहुँचेंगे? हमें उसी टापू पर जाना होगा जहाँ से ये सब शुरू हुआ। उस नाविक से टापू का पता मालूम करो। जी महाराज। यहाँ तो दूर दूर तक सिर्फ बड़े बड़े पत्थर ही दिखाई दे रहे हैं, टापू का तो नामो निशान नहीं दिख रहा महाराज। कभी कभी मंजिल नजर के सामने होती है पर नजर नहीं आती। महाराज, वो रहा टापू उन दो बड़ी चट्टानों के बीच। ओहो, ये क्या मुसीबत है। ये क्या कर रहे हो तुम? हमारे बच्चों के लिए खाना बचा के रख रहा हूँ, आने वाले दिनों में काम आएगा। इसको वापस समंदर में खींचना काफी मुश्किल होगा। मुंजा, मुंजा महाराज, यहाँ। देखिए महाराज, मुझे क्या मिला। वाह मुंजा, तुमने इतनी जल्दी भोजन का प्रबंध भी कर लिया। वो क्या है ना महाराज, समुद्र में तैरते तैरते पेट में चूहे कुश्ती लड़ने लगे थे। महाराज, राजा विक्रमादित्य हैं। और मैं यहाँ किसी को क्षति पहुँचाने नहीं आया, मैं तो बस एक प्रश्न का उत्तर तलाश करने आया हूँ। इन्हें मत मारिए, इनकी कोई गलती नहीं। इसने बेवजह ही हम पे हमला किया, क्या ये गलती नहीं? इन्होंने हमला किया क्योंकि आप हमारे बच्चों का खाना खा रहे थे। उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन आप यहाँ किस प्रश्न का उत्तर ढूंढने आए हैं? वो पत्थर आपको कहाँ से मिला? वो पत्थर तो हमें उस गुफा में मिला था, वहाँ आपको ऐसे कई सारे पत्थर मिलेंगे। Thank you.
अद्भुत फैसला हो गया मुंजा। अब हम वापस जाकर अपनी प्रजा को हमारा निर्णय सुना सकते हैं। फैसला तो तब सुनाएंगे ना जब यहाँ से बचकर जिंदा वापस जा पाएंगे। ऐसा क्यों कह रहे हो मुंजा? हमारे पैर के नीचे की जमीन असल में भाप और धूल की परत है जिसमें किसी भी वक्त दरार पड़ सकती है। मुंजा, तोड़ दो इस चट्टान को। आप अपने सितारे से प्रहार कीजिए जल्दी महाराज। इससे पहले कि हम इस गुफा में फंस जाएं, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। हम बच तो गए मुंजा, पर साबित कैसे करेंगे कि इस टापू पर सच में बेशकीमती पत्थर थे? महाराज इसे ले जाइए। पर ये इंसानों के लिए ये बेशकीमती होगा महाराज, पर हमारे लिए जैसे ये पेड़ पौधे और पहाड़ है वैसे ही ये पत्थर है, कुदरत की एक और निशानी। इससे अगर अपना पक्ष साबित करने में मदद मिले तो कृपया इसे ले जाइए। खेल तो तुमने अच्छा रचाया था जौहरी, पर तुम ये भूल गए कि ये महाराज विक्रमादित्य की नगरी है और यहाँ अन्याय के लिए कोई जगह नहीं है। मंत्री जी, इस जौहरी को भारी दंड दिया जाए और इस बहादुर नाविक को इनाम के तौर पर एक सोने से भरी थैली दी जाए, और हाँ वो दूसरा हीरा भी। महाराज विक्रमादित्य की जय हो। दोस्तों, सच को चाहे जितनी भी गहराई में छुपा लो वो आखिर में ऊपर ही आ जाता है, इसलिए हमेशा सच का साथ दो और झूठ की लालच से बचो। मुझे मालूम है कि आप सभी को इंतजार है मेरे साथ किसी सैर पर चलने का। लेकिन बड़ी मुश्किल है, मैं और महाराज विक्रम अभी जिस नगर में जाने वाले हैं वहाँ पहुँच कर आप चौंक जाएंगे। क्यों? अरे इसलिए क्योंकि वो है एक सोया हुआ नगर। विश्वास नहीं होता ना? तो चलो। ये सब मृत तो नहीं है, ये तय है। जी हाँ महाराज, लगता है जैसे गहरी नींद में सोए हुए हैं। लगता है ये किसी का श्राप है जिसके कारण ये सब इस तरह से। परंतु महाराज, ऐसा कौन है और क्या श्राप है जिसके कारण पूरा नगर सो गया? चलो महल चलकर महाराज करण सिंह से मिलते हैं। जी ये दोनों तो मूर्ति बने हुए हैं। महाराज, यदि ये सब किसी श्राप के कारण हो रहा है तो जरूर श्राप राज परिवार के किसी सदस्य को ही मिला होगा। हाँ, तभी तो राज परिवार और प्रजा सभी की ये हालत है। नहीं मुंजा, मैं अपने मित्र को इस हालत में नहीं रहने दूंगा।
मुझे कुछ करना ही होगा। परंतु महाराज, हमें जब तक कोई कारण ही मालूम ना हो तब तक हम कर भी क्या सकते हैं? हम हाँ, वो तो है। आओ मेरे साथ, मैं मालूम करता हूँ कारण। हे माँ भद्रकाली, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। माँ दर्शन दो, माँ दर्शन दो। बोलो पुत्र विक्रम, क्यों याद किया मुझे? प्रणाम माँ। हे माँ, आप तो सर्वज्ञानी हैं। मैं यहाँ अपने मित्र राजा करण सिंह और उसकी प्रजा को जिस स्थिति में देखकर आया हूँ उससे मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। तुम्हारा मित्र राजा करण सिंह अपने कर्मों की सजा पा रहा है। परंतु उसने ऐसा क्या पाप किया है जिसकी उसे ऐसी भयंकर सजा मिली है? ये बात यदि वो स्वयं तुम्हें बताएगा तो उसका पाप कुछ कम होगा। परंतु माँ, वो तो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। मैं जानती हूँ, परंतु यदि तुम सूर्योदय से पहले उसके पास जाओ तो तुम कारण जान सकोगी। माँ, इस सजा को वही दूर कर सकता है जिसने ये सजा दी है। मुंजा, चलो हमें तुरंत महल पहुँचना है। जी। महाराज विक्रम, आप करण सिंह, तुम तो ठीक हो गए। लगता है आप दिन में यहाँ आए थे। हाँ, उस समय तुम और पूरा नगर सोया हुआ था। हम सब सूर्य की पहली किरण के साथ फिर सो जाएंगे। मित्र, तुम मुझे पूरी बात तो बताओ। एक दिन मैं जंगल में शिकार करते हुए अपने सिपाही से आगे निकल गया। वो एक ऋषि का पुत्र था। उसकी माँ ऋषि पत्नी वहां आ गई और उसने क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया। अरे, क्या हुआ? फिर क्या हुआ मित्र, ये तो बताओ। और फिर एक दिन एक राक्षस मेरी पुत्री कोमलांगी को उठा ले गया। तो ये बात है, वो ऋषि पत्नी कहाँ मिलेंगी? हमारे राज्य के दक्षिण में एक जंगल है, वहाँ बीचों बीच एक तालाब है, उसी के किनारे उसकी कुटिया है। चलो मुंजा। जी महाराज। मुंजा, अब तुम्हें अपना कमाल दिखाना है। जी जरूर, ये लीजिए। वाह, ये हुई ना बात। चलो, याद है ना क्या करना है? जी हाँ महाराज। दादाजी, दादाजी रुक जाइए। दादाजी, ये आप क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं बेटा, अब मैं नहीं रुक सकता। अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं रहा। मुझे जाने दो, मुझे मत रोको। नहीं नहीं दादाजी, रुक जाइए।
दादाजी ऐसा मत कीजिए दादाजी, मेरा क्या होगा दादाजी? भगवान तेरा ख्याल रखेंगे बेटा, मुझे जाने दो। सुनिए सुनिए, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि आत्महत्या करना पाप है? अरे देवी, अपने पापों की सजा भोगते भोगते थक गया हूँ, अब और नहीं सहा जाता। क्या आप मुझे बताएंगे कि क्यों आप आत्महत्या कर रहे हैं? देवी, मेरे दो बेटों में से बड़ा बेटा और बहू एक दुर्घटना में मारे गए, उनका पुत्र ये है मेरा पोता मुंजा, और दूसरा बेटा और बहू अपने विवाह के बाद इस नगर के राजा कर्ण सिंह के पास आए थे, जो कि उनके मित्र हैं। सोचा था कुछ दिन यहाँ महल में रहेंगे, परंतु यहाँ आते ही मेरा बेटा बहू दोनों ही दोनों को ही न जाने कौन सा श्राप लगा कि वो मूर्ति बन गए। ओह, तो ये बात है। हाँ, न जाने कौन से पाप की सजा भुगत रहे हैं मेरा बेटा और बहू। उन दोनों का कोई दोष नहीं, पाप तो उनके मित्र राजा कर्ण सिंह ने किया है, गलती मेरी भी है। मैंने क्रोध में आकर कर्ण सिंह के साथ साथ उनकी निरपराध प्रजा और परिजनों को भी श्राप दे दिया। आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपना श्राप वापस लेती हूँ और कर्ण सिंह को माफ करती हूँ। आपको मैं कैसे धन्यवाद दूं? आपने इस बूढ़े पर बड़ा उपकार किया है, बड़ा उपकार किया है। अब तो मैं जल्दी से जाकर अपने बेटा बहू से मिलूंगा। धन्यवाद धन्यवाद, चल बेटा चल। धन्यवाद देवी जी, धन्यवाद। मुंजा, भाई अब कब तक यूं ही बूढ़े बने घूमते रहेंगे? अरे मैं तो भूल ही गया, अभी लीजिए महाराज। अब ठीक है मुंजा, कर्ण सिंह का श्राप तो दूर हो गया। जी महाराज, परंतु महाराज राजकुमारी कोमलांगी अभी भी कष्ट में है। वो बेचारी न जाने कहाँ होगी, क्या तुम कुछ पता नहीं कर सकते मुंजा? वो भी श्राप मुक्त हो गई हैं, इसलिए मालूम कर सकता हूँ। रे अंगूठी क्यों है मुझसे रूठी? पता तो कोमलांगी कहाँ है बैठी? ये अंगूठी क्यों है तू ऐठी ऐठी? बता दे कहाँ है कोमलांगी बैठी? रे अंगूठी आजा वहीं जहाँ पहले थी बैठी। तो ये है वो गुफा जहाँ राजकुमारी कोमलांगी कैद है। लगता है महाराज अभी वो राक्षस यहाँ नहीं है। मतलब अच्छा मौका है अंदर जाने का। जी तो चलें। चलो।
घबराओ मत कोमलांगी, मैं हूँ विक्रमादित्य। आप तो मेरे पिताजी के मित्र। हाँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो। नहीं नहीं महाराज, मैं यदि इस गुफा से निकलूंगी तो मेरा सिर फट जाएगा। जब तक वो राक्षस मर नहीं जाता तब तक मैं यहाँ से निकल नहीं सकती। और मैं जानती हूँ कि वो ऐसे नहीं मरेगा, क्योंकि उसकी जान उसके शरीर में नहीं कहीं और है। तो ठीक है, तुम ऐसा करो। ठीक है महाराज, चलो मुझा। जी। लगता है वो राक्षस आ गया महाराज। कहीं हमारी मौजूदगी का पता तो नहीं चलेगा उसे? नहीं नहीं, मैंने सुरक्षा कवच बना लिया है। कालो कालो कालो, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। हाँ, लेकिन फिर भी तुम मुझसे विवाह के लिए राजी नहीं होती। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं तो देख रही थी कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। अच्छा, ये बात है? ओह, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। चलो हटो, ऐसा तो सभी कहते हैं। अच्छा, तो तुम ही बताओ, तुम्हें कैसे विश्वास होगा। अच्छा, तुम अगर मुझे ये बता दो कि तुम्हारी जान कहाँ रखी है तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो। अच्छा। ये तो तुमने मुझे बड़ी दुविधा में डाल दिया। ये बात तो मेरे माँ बाप भी नहीं जानते। ठीक है, तुम नहीं बताना चाहते तुम मत बताओ। अरे अरे अरे, ऐसे रूठो मत। अच्छा सुनो, बताता हूँ। यहाँ से बहुत दूर मल्लिकार्जुन पर्वत है, उस पर एक मंदिर है, और उस मंदिर के नीचे एक तालाब है जिसमें एक कछुआ रहता है। उसी कछुए के सिर में मेरी जान है। इस समय कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। आने वाली पूर्णिमा को हम विवाह कर लेंगे। तब तक तुम भी अपने सभी रिश्तेदारों को न्योता भेज दो, है ना? आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं जाऊँगा सबको बुला के लाऊंगा। वाह, बहुत खूब। अब तुम चिंता मत करो, हम जल्द ही वापस आएंगे। चलो मुंजा। जी। मंदिर तो आ गए, अब कहाँ जाना है महाराज? उसने बताया कि मंदिर के नीचे कोई तालाब है। तालाब? परंतु महाराज, यहाँ तो कोई तालाब नहीं है। मैं भी यही सोच रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं महाराज कि उस राक्षस ने राजकुमारी से झूठ मूठ ही कह दिया हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आओ मुंजा, अंदर चलते हैं। मुंजा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मंदिर तालाब के ऊपर बना हो? तो महाराज, उस तालाब तक जाने का रास्ता तो दिखना चाहिए।
हाँ हो सकता है कोई गुप्त रास्ता हो, आओ ढूंढते हैं। अंदर चलते हैं। जी सचमुच बड़ी सुरक्षित जगह पर रखी है उसने अपनी जान। वो तो ठीक है मुंजा, लेकिन उस कछुए को बाहर कैसे लाए? अब राजकुमारी को गुफा से निकालना है। जी नगर, तुमको सुननी हो और भी कहानियाँ अगर तो इसी तरह अपने आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आज कैसे महाराज बिना मुझे साथ लिए पड़ोसी राज्य के राजा से मिलने चले गए। वैसे महाराज जैसा शूरवीर तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मन में कुछ गड़बड़ लग रही है। खैर जो होगा देखेंगे, और देखेंगे तो जानेंगे, और जानेंगे तो समझेंगे। Hmm.
जल्दी कैसे आ गए? यह हमारा महल है, हम यहाँ जब चाहे तब आ जा सकते हैं। तुम कौन होते हो हमसे पूछने वाले? सेनापति, हम अपने राज्य की सीमाओं को और बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन महाराज, उसके लिए तो हम जानते हैं, उसके लिए हमें पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करना होगा। सेनापति, इस सप्ताह के अंत में ही सेना को हमारी सीमाओं से लगे सभी राज्यों पर आक्रमण करने का आदेश दे दो। जाओ। महाराज क्षमा कीजिए, मैं आपकी इस बात का विरोध करता हूँ। आक्रमण अपनी रक्षा के लिए शत्रुओं पर किया जाता है, मित्रों पर नहीं। तेरी ये मजाल कि तू मेरी बात का विद्रोह करे, तू देशद्रोही। ठीक है, रुको, मैं इसे खत्म कर देता हूँ। महाराज, ये आपको क्या हो गया है? सैनिकों, पकड़ लो इसे। महाराज का बर्ताव कुछ अजीब है, और वो चक्र भी नहीं निकाल पाए, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, मुझे इसका पता लगाना ही होगा। रे अंगूठी खोल दे तू ये राज, क्यों बदले बदले से है महाराज। ओ, ये तो काला पहाड़ है। ये क्या, ये कैसी अजीब सी चिड़िया है? इस राज को जानने के लिए मुझे काले पहाड़ पर जाना होगा। चमचम चुड़ैल, खोपड़ी और डम डम डमा की लाश। जरूर ये जाल इन्होंने ही बिछाया होगा, पर मामला क्या है? कब से इस विक्रम की पहरेदारी कर रही हूँ, यहाँ बैठे बैठे मुझे तो नींद आ रही है। क्या हम कर रहे हैं पहरेदारी? वहाँ ले रहे हैं महल में दवा निंदिया प्यारी। तो ये बात है, अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है। ब्रह्मत, एक बार राजा विक्रम और मुंजा खत्म हो जाए, फिर उस महल में जाकर हम सोएंगे। इन लोगों को तो चैन की नींद सुलानी ही होगी। मुझे तो बहुत नींद आ रही है। आ रही है मुझे भी नींद है प्यारी। देख आ गई नींद प्यारी। मुंजा। महाराज, महाराज आप चिंतित ना होइए, अब मैं आ गया हूँ। वाह मुंजा, तुम फिर से ठीक समय पर आ गए। अब इसके पहले कि वो जाग जाए, जल्दी चलो। उसकी चिंता मत कीजिए महाराज, वो लोग लंबी नींद सोएंगे। नींद की रेत। शाबाश मुंजा, पर तुमने मुझे ढूंढ कैसे लिया? कुछ अपनी होशियारी से, बाकी अपनी अंगूठी की मदद से। ये तो बताइए महाराज, आप इस शरीर में आए कैसे? भलाई करने गया और डम डम डमाक की जाल में फंस गया। उस दिन जब मैं काली माँ के मंदिर से पूजा करके वापस लौट रहा था, तो मुझे कहीं से रोने की आवाज सुनाई दी। झाड़ी के पीछे झांक कर देखा तो एक अजीब सी चिड़िया रो रही थी, और फिर उसे पूछने पर पता चला, इस पड़ोस राज्य में आके घोंसला बनाते मेरे पति की मृत्यु हो गई।
अब मैं और मेरा बेटा जी कर क्या करेंगे? मैंने उसका घोंसला बनाने में मदद करनी चाहिए, लेकिन उसने मुझे ये कहकर रोक लिया कि हम सिर्फ अपने पति के हाथ से बने घोंसले में ही रहते हैं। अब ये संभव नहीं है राजा विक्रम, यहाँ रोते रोते मुझे भी मेरे प्राण त्यागने होंगे। तब मैंने इंद्रदेव के दिए हुए मंत्र से उसके पति के शरीर में प्रवेश कर लिया। ओम यम क्लिम फट, ओम यम क्लिम फट। मैंने भागने की कोशिश की, पर उसके जादू के बल से डमडम ने मुझे अपने वश में कर लिया और यहाँ कैद कर दिया। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि हमारे महाराज कैसे बुरे हो गए। महाराज, अब देखिए कैसे मैं इन लोगों को ठीक करता हूँ। चलो मुंजा, अब मुझे किसी भी तरह इस चिड़िया की शरीर से निकलकर अपने शरीर में प्रवेश करना ही होगा, नहीं तो वो दुष्ट तांत्रिक यहाँ से बच के नहीं जा सकते। अब तुम दोनों की आत्मा को मैं मुक्त कर दूंगा, क्योंकि अब मैं विक्रम हूँ, समस्त शक्तियों का मालिक। वो मुंजा यहाँ आ गया है। क्यों उठा रहे हो डमडम? तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि ये शरीर विक्रम का है। अब तू देख मुंजा कैसे बनाता है तुझे गंजा। किसी काम के नहीं, अब मुझे ही मुंजा को खत्म करना पड़ेगा। मत काट, तुम्हारे महाराज का शरीर है ये, मत काट। मुझे इस शरीर से निकलना ही होगा। ओम यम क्लिम फट, ओम यम क्लिम फट, ओम यम क्लिम फट, ओम यम क्लिम फट। आखिरकार मैं अपने शरीर में आ ही गया। अब देखता हूँ इस डमडम को। हिम्मत है तो उठा तलवार और मेरे वार का सामना कर। हमारे वार का सामना महाराज? मेरा सारा खेल खत्म कर दिया मुंजा। अगली बार मैं तुम्हें देख लूंगा विक्रम, देख लूंगा, देख लूंगा तुझे विक्रम। मुंजा, मुझे क्षमा करना, मेरे कारण तुम्हें इस दुष्ट तांत्रिक ने बहुत कष्ट दिया। महाराज, आप क्षमा मांग के मुझे लज्जित ना करें, मैं तो आपका सेवक हूँ। सेवक बाद में, पहले मित्र। जो मैं दिखाऊंगा। अरे अरे, ये इतनी जल्दी भी क्या है? बताता हूँ। नहीं नहीं, दिखाता हूँ। क्योंकि जब आप देखोगे तो जानोगे, और जानोगे तो समझोगे ना। Thank you.
महाराज, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की। तुम इन्हें जानते हो? महाराज विक्रम को कौन नहीं जानता। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो इस अकेले मेमने को शेर के चंगुल में देखा और तब मैंने इसकी रक्षा करने का निश्चय किया। लेकिन तुम यहाँ इस जंगल में अकेले क्या कर रहे थे? मेरा नाम मृदुल है और मुझे एक राजकुमारी से प्रेम हो गया है और उसने मुझसे विवाह करने के लिए एक शर्त रखी है। शर्त? हाँ, अगर मैं उसे स्वर्णपुरी के बारे में बताऊंगा तो वो मुझसे विवाह करेगी। क्या आप जानते हैं स्वर्णपुरी के बारे में? नहीं, लेकिन मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि तुम जैसे बहादुर इंसान की मदद के लिए मैं स्वर्णपुरी का पता बहुत जल्द लगाऊंगा। मुंजा, अभी लीजिए महाराज। रे अंगूठी रे अंगूठी, ये तो दिखलाना, स्वर्णपुरी का चक्कर तो जरा समझाना। ये तो सिर्फ किसी समुद्र का किनारा है, इससे हम लगता है स्वर्णपुरी का पता हमें यहीं से चलेगा। तो ठीक है, हम दोनों स्वर्णपुरी के रहस्य को ढूंढकर जल्द ही तुमसे मिलेंगे। हम समुद्र तक तो पहुंच गए, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। महाराज वो देखिए। अरे ये चिड़िया के बच्चे तो मुसीबत में हैं। हाँ महाराज। मुंजा, मुंजा आखिर ये पक्षी हमें मारना क्यों चाहते हैं? अभी पता लगाता हूँ महाराज। तुम हमें मारना क्यों चाहते हो? क्योंकि तुम हमारे बच्चों को मारने जा रहे थे। नहीं, हमने तो उन्हें घोंसले से नीचे गिरने से बचाया। क्या? ओह, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें क्षमा कर दीजिए। इसमें आपका दोष नहीं है पक्षीराज। मुंजा इन्हें छोड़ दो। धन्यवाद महाराज, आपने हमारे बच्चों की रक्षा की। हम आपके आभारी हैं। लेकिन आप यहाँ इस सुनसान जगह पर क्यों आए? हमें स्वर्णपुरी की तलाश है। स्वर्णपुरी? वो तो बीच समुद्र में है। तुम हमें स्वर्णपुरी का रास्ता बताओगे? अवश्य। यहाँ से 200 योजन दूर पश्चिम दिशा में स्वर्णपुरी है। धन्यवाद पक्षीराज। महाराज उधर वो देखिए, आपको दिखाई दे रहा है? हाँ मुंजा, यहाँ तो पत्थर ही पत्थर हैं। हाँ महाराज, ये द्वीप तो हमारे बोझ से डूब रहा है। Yeah!
मुंजा, ये कैसा रहस्यमय द्वीप है? महाराज, असली स्वर्णपुरी नगरी तो ये है। हाँ मुंजा, बहुत भव्य और सुंदर है ये नगरी। मुंजा वहां देखो, ये मंदिर तो बहुत ही अद्भुत है। हाँ, और रहस्यमय भी। इतना सुंदर नगर होने के बाद भी यहाँ जीवन का कोई निशान नहीं है। महाराज। हाँ मुंजा, हमें छिप जाना चाहिए। मुंजा ये क्या हो रहा है? हम दोनों हिल भी नहीं पा रहे हैं। ये कैसी मायावी शक्ति है? महाराज, जितना सुना था उससे कई ज्यादा रहस्यमय है ये स्वर्णपुरी। हाँ, अब उस बेचारे युवक का विवाह आसानी से हो सकेगा। महाराज, महाराज मुझे सब याद आ गया। जल्दी चलिए, मुझे राजकुमारी से मिलना है। महाराज, तो ये थी स्वर्णपुरी की सारी जानकारी। अब तो मैं आपकी पुत्री से विवाह कर सकता हूँ। सैनिकों, पकड़ लो इस धोखेबाज को। पिताजी, मुझे कुछ कहना है। महाराज, ये तो वही सुंदरी है जो। हाँ मुंजा। पिताजी, इन्होंने जो कुछ स्वर्णपुरी के बारे में कहा है वो सत्य है। ये नवयुवक मेरे पूर्व जन्म के पति हैं और पिछले जन्म के पुण्यों के कारण मुझे ये सब याद है। इन्हें ढूंढने के लिए और पूर्व जन्म की याद दिलाने के लिए मैंने स्वर्णपुरी को ढूंढने की शर्त रखी थी, जिसे केवल मेरे पूर्व जन्म के पति ही पूरी कर सकते हैं। राजकुमारी, अब हम कभी जुदा नहीं होंगे। क्यों, थी ना इतनी रहस्यमय नगरी और कहानी, इसलिए तो कहता हूँ, देखोगे तो जानोगे और जानोगे तो समझोगे ना। फिर मैं एक वफादार सैनिक की सजगता के कारण समय रहते ही वहाँ से पांचों भाई भाग गए। शंख ने खुद को राजा घोषित कर दिया और दिन रात एक कर दिया उन पांचों को ढूंढने के लिए, लेकिन वो नहीं मिले। कहाँ जा सकते हैं वो? क्या जमीन खा गई या आसमान निगल गया उन लोगों को? हमें भी इसी बात का आश्चर्य है महाराज। गुप्तचरों और सैनिकों ने उन्हें हर जगह ढूंढा, परंतु उनका पता नहीं चला महाराज। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। सेनापति पर्वत सिंह, जाओ जाकर ढूंढो उन्हें।
महामंत्री दुर्जन सिंह, लगान वसूली की क्या स्थिति है? इस काम के लिए मैंने 10 टोलियों को नियुक्त किया है और राज्य के अलग अलग गांव में भेज भी दिया है। ये सब क्या हो रहा है? लगान वसूली का आदेश है। ये तरीका है लगान वसूली का? तुम लोग लगान वसूली के नाम पर प्रजा पर अत्याचार कर रहे हो। राजकुमार विक्रम, हम जो भी कर रहे हैं वो महाराज शंख के आदेश पर कर रहे हैं। अन्याय कर रहे हैं तुम्हारे महाराज शंख। जाओ, चले जाओ यहाँ से। कह देना महाराज से, हमने इन सभी का लगान माफ कर दिया है। ये नहीं हो सकता। हमारे काम में दखलंदाजी करने का आपको कोई अधिकार नहीं। अच्छा, तो ठीक है, तुम्हें मार भगाने का तो मुझे अधिकार है ना। संभालो। इसी बात का डर था मुझे। ये विक्रम ही मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। आखिर क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम दुर्जन सिंह? वो लोग हैं कहाँ? महाराज, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे सिपाही राज्य के कोने कोने में फैले हुए हैं। अब वो विक्रम और बाकी के राजकुमार हमसे बच नहीं सकेंगे। राजा शंख के सिपाहियों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो राजकुमार विक्रम और बाकी के राजकुमारों को ढूंढ ही नहीं पाए। और मालूम है, वहाँ राजा शंख अपनी प्रजा को लगातार तंग कर रहा था। अक्सर राजकुमार विक्रम प्रजा की मदद करने पहुँच जाते थे। आखिर में हार कर राजा शंख ने विक्रम को ढूंढने के लिए ज्योतिषियों की मदद ली। आप विश्वास करें महाराज, मैं आपको एकदम सही जानकारी ही दूंगा। तो बताओ बताओ, कहाँ है वो? महाराज, यदि हम ये मान लें कि वो पांचों महल से तभी भागे हैं जबकि महाराज ब्रह्मानंद की मृत्यु हुई थी, तो उस समय की गणना से पता चलता है कि उस समय चंद्र की स्थिति कमजोर थी और शनि, राहु और केतु बलवान होकर गुरु को कुपित दृष्टि से देख रहे थे। इसका मतलब है महाराज, इस समय उन्होंने जो भी निर्णय लिया होगा। ओफो, ये सब गणना वरना छोड़ो, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। जी 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 महाराज, यही बता रहा हूँ। उन पांचों में से तीन तो जंगली जानवरों का भोजन बन गए, एक संकट में फंसा है। और पांचवा? क्या बताओ। जी महाराज, बताओ बताओ, उसके बारे में मुझे बताओ। क्या उससे मुझे कोई खतरा है? वो क्या कर रहे हो, बोलो। महाराज, जीवन दान मिले तो? हाँ, निडर होकर कहो। हाँ, महाराज, वो पांचवा राजकुमार, वो अपने बल और बुद्धि से इस पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर सकता है। बस, वो क्या कर सकता है ये हम नहीं जानना चाहते हैं। वो इस समय कहाँ है और क्या कर रहा है ये बताओ। जी महाराज,
वो ये राहु गया उधर तो उर्दू, और ये शनि और ये मंगल तो महाराज राज्य के उत्तर दिशा में जो घना जंगल है ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। हे मां भद्रकाली मुझे शक्ति दो, शक्ति दो कि मैं आज इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकूं। इन सात घड़ों को काटकर इनके पानी में गिरने से पहले इस तीर पर गर्दन रख सकूं। हे मां भद्रकाली मुझे शक्ति दो, शक्ति दो मां भद्रकाली, शक्ति दो। जय मां भद्रकाली। विक्रम, मैं तुझसे प्रसन्न हुई। तू सदैव विजयी रहे। तू मुझे जब भी याद करेगा मैं तेरी सहायता करूंगी। जय मां भद्रकाली। दुर्जन सिंह, सेना को आदेश दो कि हमें जंगल की ओर प्रस्थान करना है। क्षमा करें महाराज, इस तरह आवेश में कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये है महाराज कि यदि हम सेना लेकर जाएंगे तो विक्रम सावधान हो जाएगा, और आप तो जानते ही हैं कि वो अकेला भी हमारी सेना पर भारी पड़ सकता है। तो फिर तुम्हारी क्या सलाह है? मेरी राय में महाराज, विक्रम को मारने के लिए हमें योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहिए। कैसे? सुनिए, चलो चलो। गड़बड़ है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? पता नहीं महाराज, मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो चमचम चुड़ैल यहीं आसपास है। वो अब हमारे सामने आने की हिम्मत नहीं करेगी मुंजा। अरे अरे, मेरा खरगोश, मेरा खरगोश। अरे रो मत बेटी, रो मत, शांत हो जाओ। अरे
खरगोश ले गई। बहुत मुझे सताया था, तुमने मुझे मार के भगाया था, इसका तो हो गया काम तमाम। अब देख मेरा अंजाम। क्या सोच रहा है विक्रम? मैं वही चड़ैल चमचम, तेरे मुंजा को ले गई है मेरी माँ चमचम। महाराज सुनिए। क्या है? यदि आप मुझे छोड़ने का वचन दें तो मैं आपको इस चुड़ैल से बचा सकता हूँ। यदि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम फिर निर्दोष लोगों को तंग करोगे। नहीं 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 महाराज, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं वचन देता हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको बचा लूंगा। ठीक है। ये क्या चक्कर है? आज विक्रम से टक्कर है। ले संभाल। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। माँ, मेरी माँ चम चम, बचा बचा, फंस गई तेरी चम चम। छिपी होगी तेरी माँ किसी झाड़ के पीछे, क्योंकि आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बेटी? तुम जो भी हो सुन लो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तुम मेरे मुंजा को लौटा दो, मैं इसकी आंखें लौटा दूंगा। दे दो, दे दो माँ, मुंजा को लौटा दो। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिएगा। नहीं मुंजा, मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। मैं भी अपना बदला नहीं भूल सकती विक्रम। ये जादुई लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होगी।
यही करता हूँ। महाराज महाराज इसकी टांगे और इसकी चोटी काट दीजिए। चलो इनका किस्सा तो खत्म हुआ, अब इनका क्या करें महाराज? नहीं नहीं नहीं, अब मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मैं तुम्हें हम जरूर छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ से लौटने के बाद। लेकिन तब तक तुम्हें हमारा सेवक बनकर रहना होगा। आप मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, लेकिन लेकिन मुझे भूख बहुत लगती है। उसकी चिंता तुम मत करो, ये लो। मेरे बस में है हवा पानी और आवाज। टम टम टमाक, टम टम टमाक, नहीं जा पाएगा वो इस किले के उस पार। चला गया तो बच नहीं पाएगा इस बार। वो रहा महाराज महल। कितना अजीब महल है ये, इसके चारों तरफ कितनी गहरी खाई है। डम डम डमा के डम डम डमा। क्या हुआ मुंजा, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ महाराज, लेकिन अब मैं साको पार नहीं कर पाऊंगा। चिंता की कोई बात नहीं है महाराज, इस पर आपका कोई असर नहीं होगा। लेकिन मुंजा, मैं इस खाई को कैसे पार करूंगा? इसका भी उपाय मेरे पास है।
इसका नाम है उछल कूद चरणदास। इसे जो आप आदेश देंगे वही ये मानेंगे। ठीक है। उछल कूद चरणदास पहुंचा दे किले के आसपास। दमा मेरे बस में है हवा पानी और आग। डम डम दमाक डम डम दमा देखा मेरा दिमाग। उछल कूद चरणदास अब दिखा दो अपना कमाल खास। हाँ कुछ तो है, अभी पता चल जाएगा। अच्छा तो ये बात है। महाराज मुझे यहाँ से निकाल पाना आसान नहीं है। वो तांत्रिक कौन है और कहाँ है? वो आपका पुराना दुश्मन डम डम दमाक है। इसी पर्वत की दूसरी चोटी पर उसका डेरा है। ये सारा माया जाल उसने आपसे बदला लेने के लिए रचा है। ठीक है। आपने मेरी जान बचाई महाराज विक्रम, धन्यवाद। आइए अब मैं आपको ले चलूंगा। आ जाइए मेरे कंधों पर बैठ जाइए। Ha ha ha!
हूँ। ठीक है तो भेजो। जा, ले जा। जय काल भैरव, जय काल भैरव, जय काल भैरव, जय काल भैरव, तेरी प्रसन्नता ही मेरा जीवन है। जय काल भैरव। है काल भैरव का मंदिर, चलो मुंजा। नहीं महाराज, जब तक वो काल भैरव की पूजा कर रहा है तब तक हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो फिर क्या करें? हमें उसे मंदिर से बाहर लाना होगा। सुनो तुम आज का तब तो वो जरूर बाहर आ जाएगा। अरे ओ कायर, धोखेबाज, तू भाई है या कसाई? निकल बाहर, क्या छिपा बैठा है? हिम्मत है तो आकर मुकाबला कर। अरे तू क्या बाहर निकलेगा डरपोक चूहे? मैंने तुझे भाई समझ कर छोड़ दिया था, लेकिन अब तू वापस आ गया मरने के लिए। आज तुझे बता ही देता हूँ कि कौन शेर है और कौन चूहा। We'll be right back.
झना झन झटक झटक धिन धिना धिन मटक मटक लचक लचक जाए मोरा झिंगोला उड़ 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 रे मोरा झिंगोला। सोच रहे होंगे कि ये किस भाषा में क्या गा रहा है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आदि मानवों का गीत गा रहा हूँ। पर मैं ये गीत गा क्यों रहा हूँ ये तो जब आप देखोगे तो जानोगे, और जानोगे तो समझोगे। क्या हो गया, मैं किस युग में हूँ, कहाँ हूँ, अब क्या करूँ, किसे मदद के लिए पुकारूँ। महाराज धोकू जी गायब हो गए। क्या गायब हो गए, कहाँ गायब हो गए, क्या वे इब्नुग्रह लौट गए? नहीं महाराज, वो किसी और ही दुनिया में चले गए। मुंजा साफ साफ कहो क्या कह रहे हो। बताता हूँ महाराज, धोकू जी ने ऐसा यंत्र बनाया है जिससे इंसान भूत में चला जाता है, तो शायद वो भी। ओहो, ये तो बड़ी समस्या हो गई। हाँ महाराज, और हमको तो ये भी नहीं पता कि वो कितने वर्ष पीछे चले गए हैं। बचाओ, 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 बचाओ! शंबा शंबा शेर भाग गया, गुम्बा गुम्बा भाग जाने दो, ये शिकार मिल गई। क्या कहते हो, नहीं नहीं, अरे अरे मैं शिकार नहीं हूँ, अरे मैं भी, अरे अरे मैं शिकार नहीं हूँ, अरे मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ। मजा आया। बुल 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 बोलता है, कल 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 क्या कहता है, हमको गाली दे रहा है, बांध दो हाथ पैर और ले चलो सरदार के पास। अरे नहीं नहीं, शंबा शंबा सरदार नई शिकार मिली है, गुलू 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 गुलू। गुम्बा गुम्बा सरदार ये दो पैरों पर चलता है हमारी तरह। गुम्बा गुम्बा पहली बार मिला है ऐसा शिकार, इसे देवता को भेंट करो। जो अरे बचाओ, सब ध्यान से सुनो, दो दिन बाद पूरे चांद की रात में देवता के सामने नई शिकार की बलि देंगे और जश्न मनाएंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उनको ढूंढें कैसे। मुझे लगता है महाराज, इस मुश्किल समय में हमारी मदद तनकू बाबा ही कर सकते हैं। वाह, तुमने अच्छा याद दिलाया, चलो चलते हैं संकु बाबा के पास। संकु बाबा, हम लोग मुश्किल में हैं। तो मैं क्या करूं? तेरे लिए नदी में जाकर पानी भरूं? बोलो बम। संकु बाबा, हमारा मित्र धोकू दुखपुकिया जो वैज्ञानिक है कहीं गायब हो गया है। शायद वो अपने आविष्कारी यंत्र की वजह से भूत में चले गए हैं, यानी कि भूत काल में। बाबा ध्यान लगाएगा, इसके बाद बताएगा, बोलो बम। विक्रम जल्दी करो जतन, वरना एक रोज बाद कट जाएगी धोकू की गर्दन, बोलो बम। पर संकु बाबा, धोकू जी हैं कहाँ? धोकू आदि मानवों के बीच फंसा है और रस्सियों में कसा है, बोलो बम। तो बाबा, हमें आदि मानवों तक पहुँचाने में हमारी कुछ मदद कीजिए ना।
भूतकाल की बात है, मदद करेंगे भूत, बाबा नहीं दे सकता तुम्हें कोई भभूत, बोलो बम। मुंजा, धूकु जी को खुद हम अपने साथ लाए थे इब्नु ग्रह से। अगर उन्हें सुरक्षित वापस ना भेज सके तो महाराज इबुतुना को क्या मुंह दिखाएंगे? महाराज, बाबा ने कहा था कि भूतकाल की बात है, तो भूत ही मदद करेंगे। अब भूत कहाँ से लाए? भूत लाएंगे नहीं, भूत के पास जाएंगे। बड़ा अच्छा लगा जो महाराज विक्रम हमारे यहाँ पधारे। हाँ मित्र, हमें आपकी मदद की जरूरत है। क्या महाराज विक्रम को भूत राजा की मदद की जरूरत? जी भूत राजा जी, सिवा आपके और कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। तो महाराज विक्रम, आप हुक्म कीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? भूत राजा, हमारे एक वैज्ञानिक मित्र भूतकाल में चले गए हैं और आदि मानवों की कैद में हैं। तो आप हमें उन्हीं आदि मानवों के काल में पहुंचा दीजिए। महाराज, मैं आपको उस काल में तो पहुंचा दूंगा, पर उन आदि मानवों का स्थान आपको ही ढूंढना होगा। हाँ, ये हम कर लेंगे भूत राजा, बस आप हमें वहाँ पहुंचा दीजिए। अभी लीजिए, और जब वापस आना हो तो इस मंत्र को पढ़िएगा, आप अपने काल में पहुँच जाएंगे। गलम गलम गुच्छा, लंबी लंबी मुच्छा, बाद बकस तेज दे, हमें वर्तमान में भेज दे। महाराज, भूतकाल की बात है, इसलिए ये अंगूठी भी नहीं बता सकती कि धोकू जी कहाँ है। महाराज, महाराज, दूर कहीं से ढोल नगाड़े की आवाज सुनाई दे रही है। हाँ, शायद उस दिशा में है, चलो। कुछ मत करिए, अभी चुपचाप फंसे रहिए, हमें खुद ब खुद ये लोग ही सही जगह पहुंचा देंगे। ठीक है। बुम्बा, बुम्बा। एक शिकार कम पड़ रही थी तो देवता ने हमारे लिए दूसरी भेज दी। देवता की जय। उम्बा उम्बा। Thank you.
देवता की जय, देवता की जय। ये दोनों इंसान जिन्हें तुम पकड़ कर लाए हो, ये दोनों मेरे ही रूप हैं। उम्बा उम्बा, माफी माफी देवता, माफी 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 माफी। महाराज, अब हमें अपने काल में जाना है, पढ़िए वही मंत्र। गलम गलम गुच्छा, लंबी लंबी मुच्छा, बाद बकस तेज दे, हमें वापस वर्तमान में भेज दे। गुच्छा और मुच्छा का खेल तो आपने देख लिया, खेल भी और भी है। बस इसी तरह हमसे मिलते रहिएगा, मिलेंगे तो जानेंगे, जानेंगे तो समझेंगे। अरे लेकिन खाने का प्रबंध तो हम करने वाले थे। मैं समझा नहीं। वो महाराज, मैं बस देख रहा था कि ये खाना असली भी है या नहीं। मैंने जांच लिया है। ये सब क्या है महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। हमारी तरफ से एक भेंट, और सिर्फ इतना ही नहीं। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। नहीं महाराज, आप आज रात यही विश्राम कीजिए, कल सुबह चले जाइएगा, अब हमें अच्छा लगेगा। ठीक है। अजीब परेशानी से निकल रहा है ये राज्य, और हम इसकी कोई मदद भी नहीं कर सकते मुंजा। महाराज, समस्या बड़ी जटिल है, लेकिन कोई तो उपाय होगा, कुछ तो ऐसा होगा जो इस राज्य के अंधेरे जीवन में रोशनी की किरण ले आए। हाँ, ये क्या था, चलो देखते हैं मुंजा। भगा ले हवा से भी तेज, उड़ा के ले चल, इस दुष्ट दानव से बचने का यही है हल। यहीं रुकिए, मैं जरा इसकी खबर लेकर आता हूँ। कौन है जिसने मेरे शिकार को मुझसे छीना है? वैसे तो मेरे बहुत नाम है, लेकिन पहले ये बताओ, ये कोई वक्त है इतना हल्ला करने का? लोग सो रहे हैं भाई, अब जाओ, तुम भी जाकर सो जाओ अपने बिल में। मुंजा, इसी के हथियार को इसी के खिलाफ इस्तेमाल करना होगा, वरना ये यहीं इस बंजर जमीन में हमारी समाधि बना देगा। इसे कहते हैं उल्टा अपने मुंह की खाना। मेरा नाम है बरखा पुराण, और आप दोनों है कौन, कैसे किया उस दानव को मान? मेरा नाम मुंजा है, और ये है मेरे महाराज विक्रमादित्य। मैंने सुना है आपका नाम, आपकी वीरता का हम करते हैं सम्मान, ये तोहफा मेरी कृतज्ञता का है प्रमाण, क्योंकि आप दोनों ने बचाए हैं मेरे प्राण। ये हीरो से भरा एक झोला है, इसे कभी खाली नहीं होना है। मैं आपका आभारी हूँ, लेकिन मुझे हीरे जवाहरात की कोई अभिलाषा नहीं है। हाँ, अगर आप सच में कुछ देना चाहती हैं, तो कोई ऐसा झोला दीजिए जिसमें से हीरों की जगह अनाज निकाला जा सके, ताकि इस राज्य के लोग कभी भूखे ना रहे। आप केवल वीर नहीं राजा महान, राज्य धर्म के भी आप करते हैं सम्मान, पर मेरे पास नहीं आपकी समस्या का समाधान। काली पहाड़ी के जंगल के सबसे
बड़े वृक्ष पर एक तांत्रिक लटका मिलेगा। उसके पास अन्नपूर्णा का झोला रहेगा। लेकिन वो हमें वो झोला क्यों देगा? अन्नपूर्णा के झोले के बदले वो हीरे ले लेगा। मगर संभल कर जरा, वो धोखा जरूर देगा। हम संभल कर ही जाएंगे। लेकिन बस उस जंगल में ही करती है उसकी शक्तियाँ काम। उसके बाहर है वो बिल्कुल नाकाम। अब चलने की तैयारी करो मुंजा। मुंजा जरा देखो तो सबसे लंबा वृक्ष कौन सा नजर आ रहा है? महाराज ये जंगल तो एक भूल भुलैया है और बिल्कुल इसके बीचों बीच है वो सबसे बड़ा वृक्ष। मुंजा तुम ऊपर से देखो और मुझे बताते रहो। लगाकर देखता हूँ। तांत्रिक बाबा, ओ तांत्रिक बाबा, तांत्रिक बाबा, ओ तांत्रिक बाबा, हमें बरखा पुराण ने आपके पास भेजा है। कौन हो तुम? क्यों आए हो यहाँ मेरी तपस्या भंग करने? भंग करने नहीं, हम तो आपसे मदद मांगने आए हैं। मदद करने आए हैं? आपकी तपस्या का फल देने आए हैं। क्या लाए हो? कुछ ऐसा जिसकी तुम्हें सालों से तलाश है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक छोटी सी कीमत चुकानी होगी। मेरा नाम है तांत्रिक विष पौधा। मैं नहीं करता कोई घाटे का सौदा। अरे वाह, आप भी कविता कह सकते हो। वक्त बातों में मत करो बर्बाद, ये बताओ कि क्या लाए हो सौगात? हीरे जवाहरात वाला झोला। तुम ये झोला ले लो और माँ अन्नपूर्णा का झोला हमें दे दो। बस इतनी सी बात, तो एक हाथ दो और एक हाथ लो, फिर अपने अपने रास्ते चलो। ये तो बहुत सरलता से मान गया, लेकिन इसकी बहन ने तो कहा था कि ये चालाक है। मुंजा सतर्क रहो, चालाकी कभी भी हो सकती है। जाओ ये झोला उसे दे आओ और वो झोला ले आओ। जाओ। यहाँ चलता है मेरा ही हुक्म। मुंजा, इन पक्षियों से ज्यादा देर तक लड़ने में अकलमंदी नहीं है। यहाँ से धीरे धीरे निकलना होगा, क्योंकि इस तांत्रिक की शक्तियाँ इस जंगल के बाहर नाकाम हो जाएंगी। चलो। जो हुक्म महाराज। पीछा करो, बच के ना निकलने पाए, वो झोला मेरे हाथ वापस आए। मुंजा, अब यहाँ से आगे कैसे चले? मेरे पीछे आइए महाराज। अब हम चलते हैं। हम आपका और मुंजा का ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। देखा दोस्तों, मेरे महाराज विक्रम तो हर बार सबकी परेशानी दूर करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसीलिए तो कहता हूँ,
देखो जानो और समझो, समझ गए ना? पता है दोस्तों, हमारे महाराज विक्रमादित्य को परमवीर योद्धा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हर कठिनाई का डट कर सामना करते हैं। तो चलिए आप खुद चलकर देख लीजिए, क्योंकि जब आप देखोगे तो जानोगे, और जानोगे तो ही समझोगे ना। हमारे राज्य ने इस वर्ष काफी तरक्की की है, इसलिए हम अपने सभी मंत्रियों को उनके किए गए काम के लिए पुरस्कार देना चाहते हैं। अरे, राज्य के वित्त मंत्री चारुदत्त कहाँ है? महाराज, वित्त मंत्री चारुदत्त की पुत्री सुकन्या का स्वास्थ्य अत्यधिक चिंताजनक है, इसीलिए वो दरबार में नहीं आ सके। क्या? हमें उनसे मिलने जाना चाहिए। चारुदत्त जी, आपने हमें बताया नहीं कि आपकी पुत्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। महाराज, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अचानक से सुकन्या को क्या हो गया। राजवैद्य जी, क्या हुआ है सुकन्या को? सुकन्या को नाड़ी रोग हुआ है। नाड़ी रोग? ये रोग अत्यंत घातक है, इसका इलाज पृथ्वी पर संभव नहीं है। मेरी बच्ची। चारुदत्त जी, हिम्मत रखिए, राजवैद्य जी कोई तो उपाय होगा। इसका केवल एक ही इलाज है, चंद्र पुष्प से निकला हुआ अमृत। ये कहाँ है और कहाँ मिलेगा? ये एक ऐसा पुष्प है जो हर पूर्णिमा की रात्रि को हिमालय में खिलता है। उसके रस को किसी भी नाड़ी रोग से पीड़ित रोगी को पिलाने से उसकी जान बच सकती है, किंतु किंतु क्या वैद्य जी? मुंजा, आज अमावस्या है और पूर्णिमा आने में अभी 15 रात्रि बाकी है, हमें आज रात्रि को ही कुछ करना होगा। महाराज, आपको विश्वास है कि चंद्रदेव हमारी सहायता करेंगे? हमें पूरा विश्वास है कि चंद्रदेव अपने प्रकाश को आज रात ही उस पुष्प पर बिखेरेंगे, ताकि उसमें से अमृत निकल सके। महाराज, चंद्रलोक तो हम आ गए, लेकिन चंद्रदेव कहाँ हैं? मैं यहाँ हूँ। महाराज विक्रम, कहिए कैसे आगमन हुआ आपका चंद्रलोक में? चंद्रदेव, हमें आपकी सहायता चाहिए। हमारे वित्त मंत्री की बेटी को नाड़ी रोग हो गया है और वो चंद्र पुष्प के रस से ही ठीक हो सकता है। ये असंभव है, हम प्रकृति के नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकते। आज अमावस्या है, अब आप जाइए, हमें इंद्रदेव की सभा में जाना है। चंद्रदेव, किसी का जीवन बचाने के लिए नियम तोड़ा जा सकता है, किंतु हम ऐसा नहीं करेंगे। तब हमें आपका अपहरण करना होगा, हमें क्षमा कीजिएगा चंद्रदेव। छूना इतना सरल नहीं है। हाँ,
नहीं महाराज, इन्हें मारने पर चंद्रदेव का अपमान होगा। तुम ठीक कहते हो मुंजा। महाराज आप ठीक तो है ना? विक्रम अब भी समय है, लौट जाओ। आज मैं आपको बिना साथ लिए नहीं जाऊंगा। विक्रम तुमने हमारे सैनिकों पर हाथ उठाए बिना ही उन्हें पराजित कर दिया। तुमने हमारा सम्मान और भी बढ़ा दिया। हम अति प्रसन्न हुए। हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। देखिए चंद्रपुष्प। अब थोड़ी ही देर में इस पुष्प से अमृत रस निकलेगा, जिसे पीकर सुकन्या का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। अच्छा तो ये बात है, ये अमृत रस तो मुझे ही मिलना चाहिए। इसे पीकर तो मैं और भी शक्तिशाली हो जाऊंगा और फिर मुझसे कोई नहीं जीत सकेगा। जल्दी जल्दी से खिल जा पुष्पराज, मैं बेचैन हूँ तेरा रस पीने को। अरे ये कौन है? ये तो कोई राक्षस है, इसे रोकना होगा महाराज। सावधान, तुम जो कोई भी हो इस पुष्प से दूर रहो। अरे वाह, बड़े आए मुझे दूर करने वाले। मैं तो इस पुष्प का अमृत रस चखकर ही रहूंगा। महाराज किसी भी हालत में चंद्रदेव के प्रकाश को पुष्प पर आने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। शांत हो जाओ। मेरे महाराज को जो भी चोट पहुंचाएगा। आलतू चलाल तू आई बला को डाल तू, आलतू चलाल तू आई बला को डाल तू, आलतू चलाल तू आई बला को डाल तू।
कितनी बार कहा उस कंजूस सेठ को अल्तू जलाल तू कि एक नौकर और रख लो, थोड़ा काम बढ़ जाएगा। अल्तू जलाल तू आई बला को डाल तू, पर नहीं, वो मक्खी चूस पूरा काम मुझसे ही करवाएगा। और ये क्या? बचा! और फिर मैं वहां से उल्टे पैर भाग आया। झूठ बोलू तो भागोगे रे महाराज, ये झूठ बोल रहा है। सच तो ये है कि इसने मेरा सारा माल बेच दिया है। मैं सच कह रहा हूँ महाराज, वो घाघरे वाला तांत्रिक आया था। तांत्रिक घाघरा पहनता है? महाराज डर के मारे मेरी जान निकल रही थी, उसमें सामान उठाने का होश कैसे रहता महाराज। झूठ बोलू तो भाव गिरे महाराज, ये कहानियाँ बना रहा है। नहीं महाराज, महाराज की जय हो, ये झूठ नहीं बोल रहा। राज्य में ठीक इसी प्रकार की कुछ और घटनाएं भी हुई हैं। गांव में कई लोग यही कहानी दोहरा रहे हैं, कई युवा लापता हैं। महाराज मैं पता लगाता हूँ। कुछ तो गड़बड़ है महाराज, इस अंधकार के आर पार कुछ नहीं दिख रहा। महाराज हमें स्वयं चलकर इस रहस्य का पता लगाना होगा, और उस घाघरे वाले तांत्रिक का भी। आगे देख रहे हैं बाबा, भारी धूप में अंधेरा सा छाया है। ये पेड़ पत्तियों की छांव तो नहीं लग रही। क्या हो सकता है बाबा? वहीं चलकर देखते हैं। कौन हो तुम? तुम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि तुम मेरी तीन पहेलियों का सही जवाब ना दे दो। अगर तुम्हारे जवाब गलत हुए तो तुम मेरे साथ चलोगे। ठीक है, शुरू करो। और हमारे कोई चारा भी तो नहीं है। पैर में चलती हूँ, हाथ घुमा बदलती हूँ, रात दिन गुजरे ना तेरा, बिन देखे मेरा ये चेहरा, कौन हूँ मैं? घड़ी? सही जवाब। मेरा दूसरा सवाल है, सफेद है रंग, सब रहते हैं संग, खुशी में भी ये नजर आए, वो अगर गुस्सा तो काट खाए। दांत? सही जवाब। मेरा तीसरा सवाल, साल के किस महीने में 28 दिन होते हैं? साल के हर महीने में 28 दिन होते हैं। नहीं, अच्छा एक और सवाल, बस एक और सवाल। उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। पूछो पूछो। यहाँ का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक कौन? मैं। बकरी क्या बोल मिल मनाती है? मैं। युवाओं का अपहरण करता कौन? मैं। इसके पीछे क्या है कारण? मेरे गुरु। जो यौवन का फव्वारा बनाना चाहते हैं, उस यौवन के पानी की बदौलत हम सदा युवा रहेंगे। अब तुम मेरे एक और सवाल का जवाब दो, वो कौन सी चीज है जो बिन टूटे इस्तेमाल में नहीं आती? डंडा? अंडा, अंडा। वो अंडा है जो बिन टूटे काम नहीं आता। अंडा, अंडा, अंडा। अब तुम्हें मेरे साथ जाना होगा।
अल्लाह की कटोरी में बताशा, खुले द्वार तो दिख जाए तमाशा। खुल साधु लम तरानी, सुखी कर दूंगा सबके जिंदगानी। तांत्रिक दुम्बा बहुत बुरा गाते हो तुम, लेकिन शिकार अच्छे लाते हो। बस तुम जैसे पांच और मिल जाए, फिर 100 युवा होंगे पूरे, और निकलेगी जादुई फुवारे। जुवन बरसेगा, साधु फिर ना किसी भी चीज को तरसेगा। जब बहेगा युवन का पानी, मेरी हो जाएगी अमर जिंदगानी। बस इतनी सी बात है विक्रमादित्य, तुम अरे बचाओ बचाओ फंस गया हम, बचाओ। गलती की तुमने, बहुत बड़ी गलती। अब सब बचताएंगे, प्रजा और राजा संग भस्म हो जाएंगे। हाथ आएंगे तब तो भस्म, तो अब तुम्हारी लंका होगी लमतरानी। वो उड़ रहा है, इसीलिए आसानी से वार कर पा रहा है। वाला गोला, वो गोला हम सबको भस्म कर देगा। हमें जल्द ही कुछ करना होगा मुंजा। अब आए दोनों शिकारी अपनी पिटारी में। अभी बाकी है आखिरी बार, करो थोड़ा इंतजार। मैं हूँ साधु लम तरानी, सुखी कर दूंगा सबकी जिंदगानी। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है।